Hello everyone, I'm Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad, and I welcome you all once again to my channel Explore Education. And this time I'm going to take a very important lecture for all of you, that is the views of Paulo Freire on education, or you can say the philosophy, educational philosophy of Paulo Freire, or you can say a Western thinker Paulo Freire. Okay, so let's start. पॉलो फ्रेरे, देखिए पॉलो फ्रेरे अगर आप जानते हैं उनके बारे में तो पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड उनकी सबसे फेमस किताब है, बहुत अनुवादित की गई है, बहुत भाषाओं में लिखी गई है, मतलब ओरिजिनली तो ब्राजील के थे ये, बाद में ये विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ और बहुत पॉपुलर और बहुत रिवोल्यूशनरी ये बातें उन्होंने उसमें की हैं। और हमको इनका व्यू पॉइंट एजुकेशन पर समझने से पहले ये समझना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये स्वयं गरीब थे और ब्राजील में उस वक्त मतलब डेमोक्रेसी नहीं थी और बहुत शोषण था, बहुत ऑपरेशन था, तो उसको महसूस करते हुए उन्होंने ये विचार अपने व्यक्त किए कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, है ना। तो यही हमको जानना है कि पॉलो फ्रेरे शिक्षा पर क्या कह रहे हैं। पॉलो फ्रेरे, देखिए इनका जीवन काल 1921 से 1997 है, इज ए वॉज़े होना चाहिए, वॉज़े प्रोमिनेंट एजुकेशनल थियरिस्ट हुज वर्क लाइज इन द इंटायरली 20th सेंचुरी। बहुत ही महत्वपूर्ण शैक्षिक विचारक हुए हैं और पूरी 20वीं शताब्दी में इनका वर्क जो है वो दिखता है, प्रभावित होता है। फ्रेरे बिकेम कन्विंस्ड दैट ट्रेडिशनल पेडागॉजी वॉज ऑप्रेसिव एंड डीह्यूमनाइजिंग। इन्होंने ये बिकेम कन्विंस, मतलब इन्होंने ये महसूस किया और इस बात को लेकर ये एकदम सत्यापित हुए, मतलब इन्होंने एकदम कन्विंस हो गए कि जो ट्रेडिशनल पेडागॉजी, जो परंपरागत शिक्षण चल रहा है वो ऑप्रेसिव है, वो डीह्यूमनाइजिंग है, मतलब वो दबाता है व्यक्ति को और मनुष्यत्व से दूर करता है। Thus, he worked to develop a pedagogy that could liberate through conscientization. इसलिए उन्होंने एक ऐसी शिक्षण शास्त्र पर काम किया, उसको विकसित करने का प्रयास किया जो कि मनुष्य को मुक्त बनाए, उसको उसका कंसाइंस डेवलप करे, उसको चेतन बनाए ताकि वो चैतन्य हो। In the 1960s, he led a massive popular education movement in Brazil to deal with massive illiteracy, जो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ असाक्षर निरक्षर लोग थे, उनसे डील करते हुए इन्होंने massive popular education movement चलाया 1960 के दशक में। और ये क्या कहते हैं शिक्षा के लिए, ये कहते हैं कि the greatest humanistic and historical task of the oppressed is to liberate themselves and their oppressors as well. यानी कि जो सबसे ऑप्रेस, जो शोषित व्यक्ति है उसके लिए सबसे मानवीय और ऐतिहासिक टास्क ये होता है कि वो स्वयं तो मुक्त हो ही, वो जो शोषण करता है उसको भी मुक्त करे। अकॉर्डिंग टू फ्रेरे, अ ह्यूमनाइजिंग एजुकेशन इज द पाथ थ्रू विच मेन एंड वुमेन कैन बिकम कॉन्शियस अबाउट देयर प्रेजेंस इन द वर्ल्ड। जैसे कि एक जगह कहीं उन्होंने, इनके लिटरेचर में मिलता है, कल्चर ऑफ साइलेंस, उन्होंने कहा जो ट्रेडिशनल पेडागॉजी है वो हमें चुप रहना सिखाती है, कुछ बोलना नहीं है, जो जैसे चल रहा है वैसे चलते रहिए, सिर्फ पैसिव लिसनर की तरह सुनते रहिए। तो उन्होंने कहा कि हमको मतलब जो ऑप्रेस्ड है, जो शोषित वर्ग है, उसको अपनी चेतना का ही एहसास नहीं है, वो अपनी प्रेजेंस इन द वर्ल्ड फील कर सके, यही ह्यूमनाइजिंग एजुकेशन होनी चाहिए, वही शिक्षा ही वो रास्ता प्रदान करेगी, वो मार्ग दिखाएगी जिससे जो आदमी और औरत है वो अपने अपनी प्रेजेंस को लेके कॉन्शियस हो सके, है ना। और इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनका, बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है, जो ट्रेडिशनल हिसाब किताब चल रहा है क्लासरूम में, वो बैंकिंग का कंसेप्ट है। बैंकिंग में क्या होता है कि हम गए, हमने पैसे जमा किए या पैसे निकाले। तो ये कह रहे हैं कि उसी तरह से जो शिक्षक है वो स्टूडेंट को डिपॉजिटरी मानता है और उसमें डिपॉजिट करता रहता है, डिपॉजिट करता रहता है बस, और कुछ नहीं कर रहा है स्टूडेंट। He argues that through traditional education, students were being dehumanized, and in order to reassert their own humanity, a different educational model was needed. ये कह रहे हैं कि परंपरागत शिक्षा जो है वो मनुष्य को, वो विद्यार्थी को मनुष्यत्व से दूर कर रही है, उसको dehumanize बना रही है, और वो अपने मनुष्यत्व को जान सके इसके लिए हमें एक दूसरे शैक्षिक मॉडल की जरूरत होगी। In his critique of traditional pedagogy, Paulo Freire talks about the banking concept of education. जब ये परंपरागत शिक्षण का विरोध कर रहे थे, उसकी आलोचना कर रहे थे, तो Paulo Freire ने एक banking concept of education के बारे में बात की। He points out that too often students are asked to memorize and repeat ideas, phrases and formulas without understanding the meaning behind it. वो बोल रहे हैं कि जो परंपरागत रूप हमारे कक्षा कक्ष हैं, उनमें क्या होता है, ज्याद
ज्यादातर स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप कुछ याद करके आइए और उन्हीं बातों को, उन्हीं विचारों को, फ्रेजेस को, फॉर्मूलेस को दोहराइए विदाउट अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, उसका अर्थ जाने बिना. दिस प्रोसेस टर्न स्टूडेंट्स इन टू कंटेनर्स टू बी फिल्ड बाई द टीचर्स. ये जो प्रक्रिया है वो स्टूडेंट को कंटेनर बना देती है कि हम उसमें सिर्फ भर रहे हैं. क्या भर रहे हैं? इंफॉर्मेशन. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स, एज रिसेप्टिकल्स टू रिसीव फाइल एंड स्टोर डिपॉजिट्स. इसका परिणाम ये होता है कि विद्यार्थी सिर्फ रिसेप्टिकल बन के रह जाता है, ऑब्जेक्ट बन के रह जाता है, और वो केवल फाइल और स्टोरेज, फाइल उसमें रिसीव की जाती है और डिपॉजिट किया जाता है उसमें. पुट सिंपली दे बिकम कंटेनर्स फॉर व्हाट द टीचर्स हैज डिपॉजिट्स इन देयर बैंक्स. तो उसी तरह से शिक्षक सिर्फ उनको बैंक समझते हैं, अपना डिपॉजिटरी समझते हैं, और उसमें सिर्फ डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं. तो इनके हिसाब से जो परंपरागत शिक्षण था उसमें एजुकेशन किसका रोल प्ले कर रही है? एक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग. टीचर किसका रोल प्ले कर रहा है? डिपॉजिटर. और स्टूडेंट किसका? डिपॉजिटरी, जिसमें आप डाल रहे हैं. ठीक है, तो इन्होंने इसके ऑपोजिशन में जो मॉडल दिया वो प्रॉब्लम पोजिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन दिया. इन्होंने कहा कि इन कंट्रास्ट टू दिस बैंकिंग मेथड द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन दैट फ्रेरे इंट्रोड्यूसेस इज कॉल्ड प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन. इन्होंने कहा कि नहीं, बैंकिंग मेथड नहीं चलेगा, दूसरा मॉडल अपनाइए. प्रॉब्लम पोजिंग की बात की. दिस इंट्रोड्यूसेस लिबरेटिंग एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स. इन्होंने कहा कि ये जो शिक्षा है वो विद्यार्थियों को मुक्तता का भाव देगी. एजुकेशन मस्ट बी ए डेमोक्रेटिक एंड डायलॉजिकल प्रोसेस बिकॉज द एक्ट ऑफ नोइंग देयर वर्ल्ड इज ए मार्क ऑफ ऑल फ्री ह्यूमन बींग्स. देखिए, कहीं ना कहीं ये ह्यूमन राइट्स की तरफ भी ये बातें जा रही हैं. या आप कह सकते हैं कि 1948 में तो UDHR आ ही गया है और ये 1960 में हो रहा है, तो उससे प्रभावित होकर ये बात कह रहे हैं अपनी कि शिक्षा जो है वो डेमोक्रेटिक, मतलब आपकी लोकतंत्रात्मक और डायलॉजिकल प्रोसेस होनी चाहिए. डायलॉग होना चाहिए, आप भी बोले, हम भी बोले. क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने संसार को समझेंगे, तो ये मनुष्यत्व में मुक्तता के भाव का परिचायक होगा. यानी कि हम फील कर सकें कि हम भी कुछ हैं, मतलब हमारे अंदर कोई कंसाइंस ही नहीं है, कोई चेतना ही नहीं है, जो जो कह रहा है हम सब सही मान ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, वैसे ही चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए. ही सेज द ऑप्रेस्ड हैविंग इंटरनलाइज्ड द इमेज ऑफ द ऑप्रेसर एंड अडॉप्टेड हिज गाइडलाइंस आर फियरफुल ऑफ फ्रीडम. उन्होंने कहा जो शोषित होता है वो शोषणकर्ता की इमेज को इस तरह से इंटरनलाइज कर लेता है कि उसके अंदर डर, भय बैठ जाता है कि स्वतंत्रता, मतलब वो नहीं, हम ये नहीं करेंगे, अदरवाइज हमको वो और जो भी प्रताड़ना है मिलेगी. दिस इज वाई एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस और कॉन्साइंटाइजेशन इज नीडेड. इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी, मतलब एक चैतन्यता को, चेतना को जागृत करने वाली शिक्षा की आवश्यकता है. तो प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन क्या करेगी? इट ब्रेक्स द वर्टिकल हायरार्किकल पैटर्न. जो हायरार्की है ना, वर्टिकल हायरार्की, हम इससे, ये नीचे है फिर उसके ऊपर वो है, फिर उसके ऊपर वो है, वो टॉप मोस्ट है, हम लोअर मोस्ट है, इस हायरार्की को तोड़ेगी. एंड द टीचर एंड द स्टूडेंट बिकम जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए प्रोसेस इन विच बोथ कैन ग्रो. और उन्होंने कहा कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की वर्टिकल हायरार्की टूटेगी और दोनों ही जिम्मेदार होंगे उस प्रक्रिया के लिए जिसमें दोनों की ही वृद्धि होगी. ठीक है, इसका मतलब इन्होंने मोनोलॉग का विरोध किया कि सिर्फ शिक्षक बोले ये नहीं चलना चाहिए. दिस मेथड इम्प्लाइज लर्नर्स टू थिंक क्रिटिकली. तो ये जो मेथड है वो लर्नर को, मतलब ये क्रिटिकली सोचने के लिए विवश करता है कि सोचिए. सोचता ही तो नहीं है आज का लर्नर. इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू बी एक्टिव इन थिंकिंग अबाउट एंड एक्टिंग अपॉन देयर वर्ल्ड. यानी कि एक्टिवली संसार के बारे में सोचिए और उस पर काम भी करिए. फिर एजुकेशन एज प्रैक्सिस इन्होंने जिक्र किया है. फॉर फ्रेरे लाइक मार्क्स, मार्क्स से बहुत प्रभावित थे फ्रेरे. क्वेश्चनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड इज नॉट एनफ. वो कह रहे हैं कि सिर्फ संसार में जो चल रहा है उसको समझना और उस पर प्रश्न करना ही पर्याप्त नहीं है. एजुकेशन शुड लीड टू एक्शन एज वेल. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बातचीत से क्या होगा, कौन करेगा आगे, कौन इनिशिएटिव लेगा, कुछ करिए, है ना. सिर्फ बात से नहीं, सिर्फ बातचीत नहीं, सिर्फ प्रश्न नहीं, सिर्फ क्या कमी मत निकालिए, बल्कि जो आपको कमी दिख रही है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए. एजुकेशन देयरफॉर इज ए प्रैक्सिस. इन्होंने कहा इसलिए शिक्षा जो है वो प्रैक्सिस होनी चाहिए. इट मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन विद सीरियस रिफ्लेक्शन. यानी कि, और एक्शन भी ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं कि बस जो मन में आया तुरंत कर दिया, नहीं, सीरियस रिफ्लेक्शन. उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, मतलब उसका प्रति, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, प्रोस एंड कॉन्स क्या होगा, एंड एवरीथिंग, है ना, सब सोच के तब आपको एक्शन लेना है. दिस रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्सिव पार्टिसिपेशन टेक्स प्लेस इन डायलॉग विद अदर्स हु आर इन द सेम पोजिशन. ये जो आप रिफ्लेक्ट करेंगे, जो रिफ्लेक्सिव पार्टिसिपेशन होगा, वो उन लोगों से आप बातचीत करिए जो सेम पोजिशन में है.
फ्रेरे वॉज क्रिटिकल ऑफ एक्शन अलोन विच ही कॉल्स एक्टिविज्म. उन्होंने कहा सिर्फ एक्शन नहीं करना है, मतलब कि सिर्फ क्वेश्चनिंग और अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है, एक्शन करना है, लेकिन सिर्फ एक्शन नहीं करना है, रिफ्लेक्शन के साथ करना है, ये इन्होंने कहा. वेयर इज द बैंकिंग मेथड, और जो बैंकिंग मेथड है वो क्या कह रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली री इन्फोर्सेज द फैटलिस्टिक परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन. द प्रॉब्लम पोजिंग मेथड रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन एज अ, होना चाहिए था एज अ प्रॉब्लम, एंड अफर्म्स मेन एंड वुमेन एज बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग हु कैन ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स एंड देयर वर्ल्ड. वो कह रहे हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो तो आपको बिल्कुल ही पैसिव बना दिया है, उसने वो तो कुछ कहने नहीं दे रहा है, वो तो बिल्कुल जैसे चल रहा है आप उसको बिल्कुल वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं. लेकिन जो प्रॉब्लम पोजिंग मेथड है उसमें आप क्वेश्चन भी करिए, अंडरस्टैंड भी करिए संसार को, और उसके ऊपर एक्शन भी करिए, और एक्शन ऐसे करिए कि उसमें रिफ्लेक्शन भी नहीं हो, मतलब सोच विचार सारी बातें उसमें होनी चाहिए. इस प्रोसेस में क्या होगा कि हम बिकमिंग हो जाएंगे, मतलब हमको अपने अस्तित्व का आभास होगा और हम अपने आप को और अपने संसार का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. इसी तरह से एजुकेशन एज प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, जो लिबरेट करने की बात बार बार वो कह रहे हैं, थ्रू डायलॉग द टीचर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द टीचर सीज टू एग्जिस्ट एंड अ न्यू टर्म इमर्जेस, टीचर स्टूडेंट विद स्टूडेंट टीचर. कह रहे हैं कि ये बाउंड्री हटा दीजिए टीचर और स्टूडेंट की, डायलॉग करिए, निरंतर डायलॉग करिए, स्टूडेंट टीचर हो, टीचर स्टूडेंट हो, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाए, स्टूडेंट टीचर को पढ़ाए, इस तरह से. द रेसिप्रोसिटी ऑफ रोल मीन्स दैट स्टूडेंट्स टीच टीचर्स एंड टीचर टीचर स्टूडेंट्स. डायलॉग इनकरेजेस एवरी वन टू टीच एंड एवरी वन टू लर्न टूगेदर. इस डायलॉग से क्या होगा कि हर कोई एक दूसरे के साथ पढ़ेगा, सीखेगा. द ऑप्रेस्ड देयर बाय यूज देयर ओन एक्सपीरियंसेस इन लैंग्वेज टू एक्सप्लेन एंड सरमाउंट देयर ऑप्रेशन. चूंकि यहाँ पे स्टूडेंट, मतलब जो ऑप्रेस्ड है उसकी जगह स्टूडेंट को रख रहे हैं हम, तो वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट है उसके भी कुछ अपने पेन है, कुछ अपनी लैंग्वेज है, कुछ अपना एक्सपीरियंस है, वो शेयर जो करेगा तो टीचर की भी लर्निंग होगी, और ये डायलॉग होना चाहिए दोनों तरफ से. For Freire, education must be centered upon developing critically conscious, humanized learners who act to liberate themselves and the world from injustice. जो अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ उससे वो मुक्तता का भाव उनमें आए, उनमें चैतन्यता आए, वो समझें चीजों को, वो मनुष्य बने, ये सब शिक्षा के द्वारा Freire चाहते थे. Education as liberation. According to Freire, the pedagogy of the oppressed is a humanist and libertarian pedagogy. यानी कि आपसे पूछा जाए कि pedagogy of the oppressed किस तरीके की pedagogy है, तो ये मानवीय और मुक्त करने वाला शास्त्र है, शिक्षण शास्त्र है. Has two distinct stages. ये बोल रहे हैं इसके दो चरण हैं. In the first stage, the oppressed unveil the world of oppression and through praxis commit themselves to its transformation. पहले चरण में क्या करता है, जो oppressed होता है, जो शोषित होता है, वो oppression के संसार को का पर्दा हटाता है, मतलब कुछ करता है, कुछ समझता है चीजों को, और praxis के द्वारा वो अपने ये कमिट करता है कि वो इसको बदलेगा. इन द सेकेंड स्टेज इन विच द रियलिटी ऑफ द ऑपरेशन हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफॉर्म, अब जो ऑपरेशन की रियलिटी वो तो बदल चुकी है, तो दिस पेडागॉजी सीजेस टू बिलोंग ओनली टू द ऑपरेस्ड एंड बिकम्स ए पेडागॉजी ऑफ ऑल पीपल इन द प्रोसेस ऑफ परमानेंट लिबरेशन. यानी कि पहली चरण में तो आप समझिए कि आप दासत्व है, शोषण है, तो जो उसका उसका माहौल समझिए, उसको उसको बदलने की कोशिश कीजिए, ये सब करिए, और दूसरी सिचुएशन में आप ये करिए कि परमानेंट लिबरेशन की बात करिए और सभी लोगों का ये शिक्षण शास्त्र हो जाएगा, सिर्फ ऑपरेस्ड का नहीं, ये कहने की बात, यानी कि सभी मुक्त हो, फ्रीडम मिले. तो इनकी पेडागॉजी को क्रिटिकल पेडागॉजी भी कहा जाता है. क्रिटिकल पेडागॉजी इज अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एंड सोशल मूवमेंट दैट डेवलप्स फ्रॉम क्रिटिकल थियरी. इट रिजेक्ट्स द आइडिया दैट नॉलेज इज एवर पॉलिटिकली न्यूट्रल. देखिए उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि ज्ञान भी कभी भी राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं होता है. इन्होंने कहा दैट टीचिंग इज इनहेरेंटली पॉलिटिकल एक्ट. उन्होंने कहा टीचिंग भी पॉलिटिकल एक्ट होती है. इट इंसिस्ट दैट इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. जो जो सामाजिक न्याय की बातें हैं, जो लोकतंत्र की बातें हैं, वो शिक्षण और अधिगम से भिन्न नहीं है. इन्होंने कहा कि क्रिटिकल कॉन्शियसनेस इनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू इफेक्ट चेंज इन देयर वर्ल्ड थ्रू सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन इन ऑर्डर टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. जो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस है वो जो इंडिविजुअल है उसको इनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है कि वो संसार में चेंज लाए. कि कैसे चेंज लाएगा, सामाजिक और राजनीतिक कामों से लाएगा, कार्यों से लाएगा, जिससे कि उसको सेल्फ का एक्चुअलाइजेशन हो. इट अलाउज पीपल टू क्वेश्चन द नेचर ऑफ देयर हिस्टोरिकल एंड सोशल सिचुएशन विद अ व्यू टू एक्टिंग एज सब्जेक्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी. तो ये लोकतंत्रात्मक समाज के निर्माण की बात कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि ये जो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस है, ये जो हमारी चेतना है, ये हमको अनुमति देती है कि हम क्वेश्चन कर सके उस किसकी प्रकृति को, जो हमारे इर्द गिर्द ऐतिहासिक और सामाजिक स्थिति बनी हुई है, परिस्थिति बनी हुई है, उसको क्वेश्चन कर सके.
कुल मिला के इनकी क्रिटिकल पेडागॉजी क्या कह रही है कि एजुकेशन जो हो वो मुक्त करे आपको दासत्व से, शोषण से, हमारे अंदर चेतना जगाए, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन की तरह हम बात करें, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, हम क्वेश्चन करें, हम अंडरस्टैंड करें, हम एक्शन करें, हम रिफ्लेक्शन करें और ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल जस्टिस लर्निंग की बात इन्होंने की। तो अगर हम समराइज करें तो इन्होंने कहा कि ही वॉज क्रिटिकल ऑफ ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ लर्निंग विच ही रेफर टू एज बैंकिंग एजुकेशन। बैंकिंग एजुकेशन का विरोध किया, इंस्टेड ही विश्ड टू डेवलप एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की बात की, प्रॉब्लम पोजिंग पेडागॉजी की बात की, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य बनाना और मुक्त करना है, ये कैसे होगा, डायलॉग, क्रिटिकल इंक्वायरी और प्रैक्सिस से होगा। इन्होंने कहा शिक्षा कभी भी न्यूट्रल नहीं होती है, सारी शिक्षा राजनैतिक होती है। क्यों? क्योंकि ये या तो वो सपोर्ट करती है एंड मेंटेन दी स्टेटस को, जैसा राजनीतिकरण है उसको मेंटेन करने का काम करेगी, या हेल्पिंग टू क्रिटिक एंड चेंज रियलिटी, या मदद करेगी कि आप में अंदर चेतना जगा के आप उसको बदलने का प्रयास करें। फ्रेरे वर्क प्राइमरली विद इलिटरेट एडल्ट पीजेंट्स इन साउथ अमेरिका, बट दिस वर्क हैज एप्लीकेशन एज वेल टू स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रेन, इट इज पेडागॉजी फॉर ऑल। यानी कि इन्होंने वैसे तो साउथ अमेरिका के वयस्क जो थे किसान, जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, उन पर काम किया, लेकिन इनकी पेडागॉजी का एप्लीकेशन, अनुप्रयोग विद्यालय और विद्यालय जाने वाले बच्चों पे भी है। इसका मतलब ये सभी के लिए शिक्षण शास्त्र है। तो अगर हम इनको इवेलुएट करें, इनका मूल्यांकन करें फ्रेरे का, तो ये निकल के आता है कि इनका काम एक तरीके से जो मार्क्स का डायलेक्टिक मेथड है उसका सबसे बढ़िया इलस्ट्रेशन है। हिज एंटायर वर्क इज ए ब्रिलियंट रीडिंग एंड कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ द मेथोडोलॉजिकल टीचिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स। फ्रेरे हैज एस्पाउज्ड द कॉज ऑफ ए लर्नर सेंटर्ड एजुकेशनल पैराडाइम। इन्होंने भी विद्यार्थी केंद्रित शैक्षिक पैराडाइम की बात की। इट इज ट्रू दैट इवन इन प्रेजेंट टाइम्स द मॉडल्स ऑफ स्कूलिंग दैट आर फॉलोड एज वेल एज द करिकुला हैव लिटिल रेलेवेंस टू द मास ऑफ द पीपल। उन्होंने कहा मतलब कि आज भी हम देखते हैं तो जो हमारा जो मैटर है, जो करिकुलम है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, उसका जनमानस से बहुत ज्यादा उसकी रेलेवेंस नहीं है। यही बात फ्रेरे भी कह रहे थे कि उनको उनके हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप करिकुलम बनाइए। फ्रेरेज आइडियाज ऑफ रिप्लेसिंग अ रिग्रेसिव पेडागॉजी मार्क्ड बाय द ऑप्रेसिव अथॉरिटी ऑफ द पेडागॉज विद ए मोर इगेलिटेरियन लिबरेटिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन आर देयरफॉर नेसेसिटेटेड इवन टुडे। कहने का मतलब है कि जो इन्होंने मुक्त शिक्षण की बात की और ये सारी बातें की, वो आज भी उतनी ही कारगर है, उतनी ही रेलिवेंट है, उतनी ही सार्थक है। तो फ्रेरेज पेडागॉजिक एक्सरसाइजेस आर रेलेवेंट फॉर ब्रिंगिंग द मार्जिनलाइज्ड इनटू द फोल्ड ऑफ मेनस्ट्रीम एजुकेशनल सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। तो जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो सीमांत हैं, हमको उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आज भी फ्रेरे की जो शिक्षण शास्त्र का इन्होंने बताया वो आज भी सार्थक है और अपनाया जाना चाहिए। इसमें लास्ट स्लाइड लगाना मैं भूल गई, कोई बात नहीं। तो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक, फॉलो फ्रेरे ऑन एजुकेशन। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। थैंक यू ऑल।